हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैवली ब्लॉगर। मैं आप सबका दोस्त, इस चैनल का होस्ट। इस वीडियो में मैं आज आप सभी को रैवली जिले के डलमो घाट के बारे में बताऊंगा तथा यह भी दिखाऊंगा कि वहां पर लाशें जलाई जाती हैं या फिर दफनाई जाती हैं। आप सब वीडियो में बने रहें, वीडियो देखते रहें। अभी हमें पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डला लें, फिर चलते हैं आगे। पेट्रोल डलाने के बाद अब हम आ चुके हैं परड़िया तिराहा, जो कि जगतपुर और डलमो हाईवे के बीच में पड़ता है। काफ़ी दूर चलने के बाद अब हम आ चुके हैं रेलवे क्रॉसिंग के पास, जो कि यह रेलवे क्रॉसिंग आप सभी को डलमऊ और ऊंचाहार हाईवे के बीच में पड़ जाएगी, क्योंकि हम वो वाला मेन वाला हाईवे छोड़कर हम लोग आ चुके हैं मुरैकबाग से ऊंचाहार हाईवे पर। तो आप सब देखते रहें वीडियो में, बहुत जल्द हम पहुँचने वाले हैं डलमऊ घाट के पास। काफ़ी अच्छा हाईवे है, इस हाईवे पर आप सभी को देखने को मिल जाएंगे बड़े वाहन, और यहाँ से ऊंचाहार की दूरी लगभग 32 किलोमीटर है। अभी हम पहुंच चुके हैं मुरैकबाग के करीब। आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल में स्थित रायबरेली जिले के 182 सरेनी विधानसभा का यह क्षेत्र है। यहां के विधायक धीरेंद्र बहादुर सिंह हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक हैं। आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं, 2012 की जनगणना के अनुसार यहां की टोटल मतदाताओं की संख्या 3,18,439 थी, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,73,912 तथा महिलाओं की संख्या 1,44,527 थी। अभी हम पहुंच चुके हैं मुरैकबाग के तिराहा के बिल्कुल करीब। यहां से आप सभी को बता दें, डलमऊ की दूरी लगभग 2 या 2.5 किलोमीटर पड़ती। आप देख सकते हैं जो ये रास्ता साइड में गया है, ये सीधा फतेहपुर जिला को गया। इसी रास्ते से हम चलेंगे, जो कि यह रास्ता डलमऊ घाट की तरफ जाता है तथा डलमऊ पुल की तरफ यही रास्ता जाता है। यहाँ से पुल की दूरी थोड़ी दूर है। आप सब वीडियो में बने रहे, हम आपको दिखाते हैं। इसी रूट पर चलने के बाद अब हम आ चुके हैं
अभी हम हैं डलमऊ पुल के पास। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी बड़े बड़े वाहन नज़र आ रहे होंगे जो कि फतेहपुर की तरफ रवाना हो रहे हैं। आप सभी को बता दूँ, डलमऊ का नाम यहाँ के राजा डलदेव की वजह से पड़ा। डलमऊ एक रायबरेली ज़िले का काफ़ी प्रसिद्ध घाट है। यहाँ पर यह क्षेत्र गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। आप देख सकते हैं गंगा का काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। अभी हम पुल पर हैं, पुल पर से आप सभी को दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप सभी को नज़र आ रहा होगा जो कि चिताएं जल रही हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, गंगा के किनारे बिल्कुल एकदम यहाँ पर चिताएं जल रही हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर वीडियो में धुआं नज़र आ रहा होगा आपको। हम जूम करके आप सबको दिखाई दे रहे हैं, ये गंगा का मेन घाट है जो कि डलमऊ घाट के नाम से प्रसिद्ध है। घाट के दूसरी तरफ आप सभी को स्नान ग्रह मिल जाएगा। यहाँ पर जो लोग चिताएं जलाते हैं उसके बाद स्नान करने के लिए आते हैं, ये हिस्सा वही है।